जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरीके का संकट आया हुआ है, जहां एक दूसरे की सबको जरूरत आन पड़ी है। क्या कमजोर और क्या ताकतवर, इस कोरोना की महामारी के आगे सबने घुटने टेक दिया है। और इसी वायरस को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर व्यापक बातचीत हुई। और बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमने एक अच्छी चर्चा की और इस वायरस से लड़ने के लिए भारत और अमेरिका साझेदारी को पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करने पर सहमति व्यक्त की। और पीएम मोदी ने बातचीत के बारे में ट्वीट करके कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर हमारी चर्चा काफी अच्छी रही, हमने इस वायरस से लड़ने के लिए पूरी सहमति व्यक्त की। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट की मांग की है, ताकि अमेरिका में इस वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सके। और यहाँ पे खतरे की बात तो ये है, अमेरिका में संक्रमण से कम 3,915 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 8,162 लोगों की मौत हो चुकी है। और आगे ट्रंप ने ये भी कहा, भारत इस दवा को भारी मात्रा में बनाता है और उसे अपने करोड़ों लोगों के लिए इसकी बहुत जरूरत है, और पीएम मोदी ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे ऐसे ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।